Hey guys, what's up? Namaskar, this is Ubhay Shivadeep and welcome to my YouTube channel which is Lone Vara S. So, आज हम फिर से आ चुके हैं गिवर के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस स्पीडोमीटर के बारे में। ये स्पीडोमीटर मैंने अपनी एटमिक में इंस्टॉल किया था, तो अगर आपने उसको नोटिस नहीं किया या फिर अगर आपने मेरा एटमिक का वीडियो नहीं देखा हुआ तो फटाफट जाकर उसको देख सकते हो। आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जगह उसको जरूर चेकआउट करो। और इस वीडियो में बेसिकली इस स्पीडोमीटर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके क्या स्पेक्स है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसके साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर को कंटिन्यू रखेंगे और इसी के साथ हम लोग स्टेप वन पे आ जाता है जो कि है अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो इसको हम लोग अमेजोन के पैकेज से निकालेंगे क्योंकि मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था। अगर लिंक अवेलेबल रहा या फिर ये अवेलेबल रहा तो मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हमें कुछ कुछ चीजें देखने के लिए मिल जाती है, लिखी हुई है यहाँ पे। तो न्यू फंक्शन, राइडिंग ऑल टाइम, ट्रिप डाउन, ट्रिप अप, और उसके बाद टेम्परेचर रेंज 20°C टू 70°C ऐसा। और उसके बाद राइडिंग फंक्शंस में मेंटेनेंस अलर्ट, ओवर स्पीड अलर्ट, बहुत कुछ है इसमें जो कि ज्यादा काम का भी नहीं है। और उसके बाद टूल फ्री, बैकलाइट, बैटरी अलर्ट और टाइम भी देखा था इसमें। और इसमें स्टॉपवॉच भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसीलिए मैंने इसको चूज किया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें बैकलाइट आता है तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया था। और इसके पीछे हमें देखने के लिए मिल जाता है एज यूजुअल, ओह माय गॉड व्हाट इज दैट, ये हर कोई चीज, मतलब इंडियन प्रोडक्ट में ढूंढ नहीं पाता हूँ क्या, या फिर इंडियन प्रोडक्ट बनते ही नहीं है कहीं, ऐसा ही होता है, या फिर मुझे जो पसंद आता है वो चाइना का ही होता है, तो ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा बचाव यंत्र लगा लेंगे, उसी के बाद कैरी ऑन करेंगे इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमें बॉक्स को ओपन करते ही हमें कुछ कुछ चीजें देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले तो हमें हमारा स्पीडोमीटर मिल जाता है यहाँ पे, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें हमें मैनुअल्स, जिप टाइज, यहाँ पे सेंसर और माउंट जो है एक साथ तार जो वायर्स के साथ आता है, और उसके बाद एक छोटा सा मैग्नेट जो कि हमारे स्पोक्स में लगेगा, ये सब कुछ हमें मिल जाती है यहाँ पे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन जो कि आता है हमारा स्टेप टू। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इसको कैसे लगाना चाहते हो, मतलब इंस्टॉलेशन आप कहाँ पे इसको करना चाहते हो। जैसे कि एक होता है कि आप हैंडल बार पे लगाओगे, तो हैंडल बार में क्या होता है कि ये यूजुअली ये स्पीडोमीटर हैंडल बार के हिसाब से ही आते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टेम में इंस्टॉल करने वाला हूँ, मतलब बीच में, ताकि ये स्पीडोमीटर बीच में रहे। तो इसीलिए हमें इसका पीछे का जो माउंट है इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा, क्योंकि ये हैंडल बार के हिसाब से दिया हुआ है डायगोनली, बट हमें इसको वर्टिकल करना होगा ताकि ये वर्टिकली यहाँ पे लग जाए और इसका जो कर्व है वो वर्टिकली एक सिलेंडर टाइप का जो शेप ले लेगा यहाँ पे उसी के साथ, और हम यहाँ पे इसको स्टेम में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देखो, उसमें मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में बता दिया है स्पीडोमीटर के बारे में। और यहाँ पे हम इसका जो यहाँ पे गम दिया हुआ है डबल साइडेड टेप, उसको पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इसका चार स्क्रूज जो है इसको खोल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके फिर से हम चार स्क्रूज और गम्स को इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है और इसको हम आसानी से स्टेम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डबल गम को इंस्टॉल करना होगा इसके साथ, उसके बाद आप जिप टाइज की मदद से इसको अच्छे से इस आपके स्टेम के साथ इसको बांधो, या फिर अगर आप इसको हैंडल बार पे इंस्टॉल करना चाहते हो वहां पे आप अच्छे से इसको जिप टाइज के साथ बांधो। उसी के साथ साथ आपको इसका सेंसर भी इंस्टॉल कर लेना है नीचे, जो नीचे यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है, ये बिल्कुल आपके व्हील्स के पास रहता है आपके फोक्स पे, ताकि ये इसका जो मैग्नेट है वो बिल्कुल इसके पास से गुजर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेंसर को इंस्टॉल मत करो, सबसे पहले आप दोनों को लो, मतलब सेंसर और आपका मैग्नेट जो है इन दोनों को आप साइड बाय साइड लो और आप देखो कि कहाँ पे सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट आता है, या फिर कहाँ पे आपका सेंसर और मैग्नेट ये दोनों सबसे पास में आते हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपने सेंसर को इंस्टॉल करो, उसी के बाद अपने मैग्नेट को भी इंस्टॉल करना। मैग्नेट को इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ दो स्पोक्स के बीच में या फिर सिंगल स्पोक के बीच में इसका जो थंब स्क्रू टाइप का दिया हुआ है उसको अनस्क्रू करके फिर से इसको स्पोक्स के बीच में लाके इसको टाइट कर देना होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। और इसी के साथ साथ सेम तरीके से आपको अपना सेंसर भी इंस्टॉल कर लेना है, जिप टाइज भी बांध देना है इसमें भी डबल गम रहता है, उसको भी आपको लगा देना है और आपका सेंसर यहाँ पे आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज और रह जाती है कि इसका जो एक्स्ट्रा वायर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो लटकता वायर्स आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसको केबल मैनेज थोड़ा सा करना होगा, तो इसके लिए आप जिप टाइज यूज कर सकते हो। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जिप टाइज है, मतलब
मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे एक्स्ट्रा जिप टाइज है, बट आप इसको ही यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे दिए जाते हैं, 6 या 7 दिए जाते हैं, तो उसको आप इन बीच बीच में 1 या 2 लगा दे सकते हो ताकि आपका वायर्स जगह पे रहे, इधर उधर ना हो। और आपके ब्रेक के वायर्स के साथ आप अपना वायर्स यहाँ पे जिप टाइज के साथ बांध दे सकते हो। और इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे, जो की है स्पीडोमीटर सेटअप। तो सेटअप को शुरू करने से पहले सबसे पहला एक स्टेप मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो की है स्पीडोमीटर को रीसेट करना। अगर इसमें कोई भी सेटअप किया होगा तो उसको सबसे पहले आपको रीसेट करना होता है। तो रीसेट करने के लिए आपको सिंपली इसका बैटरी निकाल के फिर से लगाना होता है। तो बैटरी निकालने के लिए पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा सर्कल टाइप का है, तो इसको आप 1 रुपए के कॉइन के साथ इसको आसानी से खोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप ऐसे ही अपने स्पीडोमीटर के इस बैक पोर्शन को खोल लो एक कॉइन की मदद से, और उसके बाद अपना जो बैटरी है उसको एक बार निकाल के उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर दो, तो आपका स्पीडोमीटर रीसेट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे इसका डेट, टाइम, टेम्परेचर 12 आवर या फिर 24 आवर अगर आपको चाहिए, उसके बाद सर्कमफेरेंस, किलोमीटर और माइल्स, और यहाँ पे ये सब कुछ आपको इससे पहले इस पे पुट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सेटअप मोड में जाने से। तो सबसे पहले इसका जो राइट बटन है, जिसको सेट बटन भी कहा जाता है, उसको आपको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना होगा ताकि ये सेटअप मोड में घुस सके, और उसके बाद आपको एक के बाद एक सब कुछ सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है टेम्परेचर। ये सारे के सारे वैल्यूज के लिए या फिर ये सारे के सारे जो भी आपको सेटिंग्स करना है, तो इसके लिए आपको एक ही चीज कॉमन है यहाँ पे इसका जो लेफ्ट वाला बटन है, जिसको अप बटन भी कहा जाता है, उसको आपको दबाना है इसके वैल्यूज चेंज करने के लिए। और जो राइट वाला बटन है, जो जिसको सेट बटन भी कहा जाता है, उसको आपको दबाना है अपने वैल्यूज को सेट करने के लिए और नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर सेट करेंगे, तो हमें लेफ्ट वाला बटन दबाना है सबसे पहले, ताकि हम टेम्परेचर को फेरनहाइट या फिर सेल्सियस को चेंज कर सके। तो एक बार अगर दबाओगे तो जो भी रहेगा फेरनहाइट या सेल्सियस, तो वो दूसरे वाले में चले जाएगा। उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हो राइट वाला बटन दबा के, और राइट वाला बटन दबाने से आपका नेक्स्ट मोड में चला जाता है, जो कि 12 और 24 आवर्स। ये बहुत ज्यादा इजी है सारे के सारे चीजों के हिसाब से। ये सारे के सारे मतलब आपका जो भी यहाँ पे आप इनपुट करोगे ऐसे ही आपको इनपुट करना होगा। तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे 12 आवर या फिर 24 आवर भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है टाइम पे, तो एग्जैक्ट टाइम आपको देख लेना है फोन से या फिर क्लॉक से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, सेम तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे उसके बाद आ जाता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आपको सबसे पहले देख लेना होगा, जो मैनुअल है इसमें आप देख सकते हो चार्ट दिया हुआ है, एक सारे के सारे टायर साइजेस, आपका जो भी टायर का साइज है आपको अपने टायर में लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी है, तो मैं यहाँ पे आसानी से आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट मेरा टायर का साइज है 26 इंच × 1.9 इंच। तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे हमारा सर्कमफेरेंस भी मिल जाता है चार्ट के हिसाब से 2055। तो यहाँ पे आप आसानी से अपना व्हील का जो साइज है या फिर आपका टायर का जो साइज है उसको आप यहाँ पे ढूंढ लो, और इसको आप अपने स्पीडोमीटर पे इंपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा 4 नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो एक पॉइंट है बीच में, उसका मतलब है 205.5। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा किलोमीटर या फिर माइल्स पर आवर आ जाता है, तो सेम प्रोसीजर के साथ मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। और उसके बाद ओडोमीटर जो है और RAT जो दिया गया है यहाँ, वो हमें 0 रखना है। ये सब कुछ किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट होगा बाद में। और इसी के साथ साथ हमारा स्पीडोमीटर यहाँ पे सेटअप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्पीडोमीटर में बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि अप ट्रिप, डाउन ट्रिप। मतलब अगर आप कहीं पे जाते हो, मान लो कि आप 100 किलोमीटर को राइड करते हो अप डाउन, तो 50 किलोमीटर अप जाओगे, 50 किलोमीटर डाउन जाओगे। तो 50 किलोमीटर अप जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें एक रिकॉर्ड होता है, बट मेरा यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है ये काइंड ऑफ शायद ये डिफेक्टिव पीस आ गया मेरे पास, तो मेरा मोड का जो बटन है वो काम नहीं कर रहा। मतलब मैंने बहुत ही कोशिश की बट ये काम नहीं कर रहा। उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था इसको रिटर्न करने के लिए, तो मैं इसको रिटर्न नहीं कर पाया। बट मैं स्पीडोमीटर इसलिए यूज करता हूँ ताकि मेरा एक एवरेज स्पीड जो है उसको मैं पकड़ के रख सकूँ। और बाय द वे, स्पीडोमीटर पे बहुत सारे मोड्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टॉपवॉच दिया जाता है, ट्रिप अप, ट्रिप डाउन जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर ऑब्वियसली, और इसमें जो बैकलाइट है जिसके वजह से मैंने ये स्पीडोमीटर को परचेज किया था, वो ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। इसका जो लुक्स है वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये तो मैं नहीं करूंगा, बट ये छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, उसी की मेरा जो पुराना स्पीडोमीटर उसी के साइज का है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें हैं, ऑब्वियसली इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, मान लो कि अगर आप कहीं पे जाते हो, जो भी ट्रिप का कैलकुलेशन हुआ है पिछले ट्रिप का, तो उसको आप 0 कैसे करोगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेफ्ट वाला बटन जो है उसको 3 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है, ताकि आपका सारा का सारा जो डेटा है वो 0 हो जाए और आप फिर से एक नया ट्रिप शुरू कर सके। तो इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे स्पीडोमीटर का
रिव्यू खत्म होता है और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्पीडोमीटर का प्राइस कितना है। तो मैंने इसको परचेस किया था 699 में और इसमें बैकलाइट मिलता है, तो और क्या चाहिए। इसमें ऑटोमेटिक सेंसर्स भी है कि अगर आप जब भी बैकलाइट को यूज करते हो तो अगर दिन का जो उजाला रहता है तो उसमें बैकलाइट ऑन नहीं होगा, और रात में अगर आप इसको यूज करते हो तो बैकलाइट ऑन हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसमें सेंसर्स दिए जाते हैं, बैकलाइट सेंसर्स। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। तो दिस इज वाई लोन वायरा एस साइनिंग आउट।